नमस्कार, मेरा नाम है कांशा चौहान और आप देख रहे हैं ओनली न्यूज नेशन। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, साथ ही देश और विदेश की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारत के स्टार रेसलर विनेश फोगाट को भारतीय कुश्ती महासंघ यानी कि WFI ने निलंबित कर दिया है। भारतीय कुश्ती महासंघ ने मंगलवार को कहा कि टोक्यो ओलंपिक खेलों में अभियान के दौरान अनुशासनहीनता के लिए स्टार पहलवान विनेश फोगाट को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है और साथ ही दुर्व्यवहार के लिए युवा सोनम मलिक को नोटिस भी जारी किया गया है। पता चला है कि टोक्यो खेलों के क्वार्टर फाइनल में हारकर बाहर हुई विनेश फोगाट को नोटिस का जवाब देने के लिए 16 अगस्त तक का समय दिया गया है। इसमें अनुशासनहीनता के 3 आरोप भी लगाए गए हैं। दरअसल कोच वॉलर एकोस के साथ हंगरी में ट्रेनिंग कर रही विनेश फोगाट वहां से सीधे टोक्यो पहुंची थी, जहां उसने खेल गांव में रहने और भारतीय टीम के अन्य सदस्यों के साथ ट्रेनिंग करने से इनकार कर दिया था। साथ ही उन्होंने भारतीय दल के आधिकारिक प्रायोजक शिव नरेश की पोशाक पहनने से भी इनकार करते हुए अपने मुकाबलों के दौरान नाइकी की पोशाक पहनी। WFI सूत्रों ने PTI से कहा यह अनुशासनहीनता है, उसे अस्थायी रूप से निलंबित किया गया है और कुश्ती से जुड़ी सभी गतिविधियों से प्रतिबंधित भी किया गया है। जवाब नहीं देने तक वह किसी राष्ट्रीय या अन्य घरेलू प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धा पेश नहीं कर पाएंगी और WFI अंतिम फैसला करेगा। सूत्र ने कहा कि WFI को IOA ने फटकार लगाई है कि वे अपने खिलाड़ियों को नियंत्रित क्यों नहीं कर पाते। IOA से संदर्भ में WFI को नोटिस जारी कर रहा है। टोक्यो में मौजूद अधिकारियों ने PTI को बताया कि विनेश को जब भारतीय टीम कि उनके साथियों सोनम, अंशु मलिक और सीमा बिस्ला के करीब कमरा आवंटित किया गया था तो उन्होंने हंगामा कर दिया और कहा कि वह कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकती हैं क्योंकि ये पहलवान भारत से टोक्यो आई हैं। अधिकारी ने कहा उसने किसी भारतीय पहलवान के साथ ट्रेनिंग नहीं की, ऐसा लगा कि वह हंगरी की टीम के साथ ही आई है और भारतीय दल के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है। एक दिन उसकी ट्रेनिंग का समय भारतीय लोग लड़कियों के समय से टकरा रहा था और उसने उनके साथ एक ही जगह ट्रेनिंग नहीं करने का फैसला लिया। अधिकारी ने कहा यह स्वीकार्य नहीं है, सीनियर पहलवानों से इस तरह के बर्ताव की उम्मीद नहीं की जाती। विनेश को खेलों में स्वर्ण पदक का दावेदार माना जा रहा था लेकिन बेलारूस की वेनेसा ने उन्हें चित्त कर दिया। 19 साल की सोनम को दुर्व्यवहार के लिए नोटिस जारी भी किया गया। अधिकारी ने कहा इन बच्चों को लगता है कि वे स्टार पहलवान बन गए हैं और कुछ भी कर सकते हैं। टोक्यो रवाना होने से पहले सोनम या उनके परिवार को WFI कार्यालय से पासपोर्ट लेना था लेकिन उसने साई अधिकारियों को उसके लिए पासपोर्ट लाने का आदेश दिया। यह स्वीकार्य नहीं है, उन्होंने कुछ भी हासिल नहीं किया है और वे जो कर रहे हैं वे स्वीकार्य नहीं है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।